नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है समीर राज। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है झारखंड के मेले। मेला स्टार्ट करेंगे। मेला सुनते ही बचपना याद आ जाता है। मेला में वो तारा माछी, झुलवा, खिलौना, ये सब चीज़। तो देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन सा मेला महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जब मेला का बात करते हैं तो कुछ देश लेवल पे जो मेला है, जैसे भारत के हिसाब से मेला, बड़ा बड़ा कौन कौन सा मेला है। आइए दोस्तों, मेला शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इंडिया में, भारत में कौन कौन सा मेला आप जो जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कुंभ मेला, सभी लोग जानते होंगे कुंभ मेला। कुंभ मेला जानते हैं, ये 12 साल में, हर प्रत्येक 12 साल में लगता है और चार जगह पे लगता है ये मेला, जैसे कि प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, उसके बाद आपका नासिक। ये चार जगह में आपका उज्जैन मेला लगता है प्रत्येक 12 साल में। कहाँ पे लगता है पुष्कर मेला? ये लगता है आपका राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। यहाँ पे पुष्कर मेला में आपका ऊँट का खरीद बिक्री होता है, ऊँटों का। यहाँ पे जो ऊँट आता है विदेशों से आता है, इजराइल का ऊँट आता है। ये सब पुष्कर भी बहुत ही फेमस मेला है ऊँटों के लिए, जो राजस्थान में लगता है। और आपको बता दें, पुष्कर जो है एकमात्र जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसके बाद अगर एक हम मेला की बात किए जाए जो पशु के लिए भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में मशहूर है, पूरा दुनिया में फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला अगर बोला जाए, एक मेला का नाम सुने होंगे, सोनपुर का मेला, जो कि बिहार में लगता है। ये आपका दुनिया में सबसे बड़ा पशु का मेला है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे भारत लेवल पे बड़ा बड़ा मेला है, जैसे कि गंगा सागर मेला लगता है। गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? तो गंगा सागर मेला आपका लगता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आप जानते होंगे अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में लगता है, जहाँ कामाख्या मंदिर है वहाँ पे लगता है अम्बुबाची। तो इस तरह का बहुत सारा मेला है। तो स्टार्ट करते हैं हम झारखंड का कौन कौन सा महत्वपूर्ण मेला जो आपका एग्जाम में आएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं झारखंड का कौन कौन सा मेला महत्वपूर्ण है। झारखंड का जो भी मेला है आपका, जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछता है कि कहाँ पे लगता है ये मेला, कहाँ पे लगता है, स्थान बताना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। ज़्यादा कुछ अगर उस टाइप का होगा महत्वपूर्ण पॉइंट, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। ये पहला मेला जो है हिजला मेला शुरू करते हैं। हिजला मेला कहाँ पे लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो कहाँ पे लगता है हिजला मेला? हिजला मेला लगता है आपका दुमका में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, और इससे संबंधित एक दो पॉइंट और याद रख लीजिए। कहाँ पे लगता है ये, किस नदी के किनारे? तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है आपका हिजला मेला। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इससे संबंधित रखिएगा, ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1890 में इसका शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसका नाम है कास्टेयर्स, इसके द्वारा शुरू किया गया था हिजला मेला से संबंधित। ये दो तीन पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेला जो है, दो मेला है, एक श्रावणी मेला है, दूसरा बुढ़ई मेला है। श्रावणी मेला, श्रावणी मेला मतलब वही महादेव का मेला जो सावन महीने में लगता है बाबा धाम में। और बाबा धाम कहाँ है आपका? देवघर में। तो श्रावणी मेला और बुढ़ई, ये दोनों मेला लगता है आपका देवघर में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला मेला जो है गणतंत्र दिवस मेला। गणतंत्र दिवस कहने का मतलब 26 जनवरी में मेला लगता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है झारखंड का शहर कहाँ पे? गोड्डा में। कहाँ पे लगता है? गोड्डा में। आइए दोस्तों, अगला मेला देखते हैं कौन सा है। अगला मेला जो है वो है बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला, और ये किस महीने में लगता है? तो चैत माह में ये मेला लगता है, रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी पूजा के अवसर पर लगता है बिंदु धाम मेला। और कहाँ पे लगता है ये? साहेबगंज में लगता है। कहाँ पे? साहेबगंज में। जगह याद रखना है, यही पूछता है कि कहाँ पे कौन सा मेला लगता है। अगला जो मेला है वो है गांधी मेला और रामरेखा मेला। ये दोनों मेला को याद रखिए, गांधी मेला और रामरेखा मेला। तो रामरेखा मेला जो लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। और कहाँ पे लगता है ये दोनों मेला? सिमडेगा में लगता है। कहाँ पे लगता है? सिमडेगा में। ठीक है, अगला मेला तुर्की मेला। तुर्की देश है, तुर्की देश भी है, लेकिन तुर्की मेला लगता है आपका कहाँ पे लगता है तुर्की मेला झारखंड में? तो वो लगता है चायबासा में। कहाँ पे लगता है? चायबासा में। अगला मेला जो है कौन सा मेला है? उर्स मेला। उर्स मेला कहाँ पे लगता है उर्स मेला? तो ये लगता है आपका गुमला में। और ये जो देख रहे हैं गांधी मेला, तुर्की मेला, उर्स मेला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जामिनर का फेवरेट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आइए चर्चा करते हैं अगला कौन सा मेला है। अगला जो मेला है वो कौन मेला है, सूर्यकुंड मेला। और सूर्यकुंड मेला कब लगता है, मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति कहने का मतलब 14 जनवरी में मकर संक्रांति जो होता है, मकर संक्रांति में लगता है आपका सूर्यकुंड मेला। यहाँ पे स्नान किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद और कौन सा मेला लगता है, नरसिंह मेला। ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा में। ये दोनों मेला कहाँ पे लगता है आपका, तो हजारीबाग में। जगह आपको याद रखना है, कहाँ पे लगता है ये दोनों मेला, तो हजारीबाग में। अगला मेला कौन सा है, कुंडा मेला और एक जतराही मेला। ये दोनों मेला कहाँ पे लगता है, तो ये दोनों मेला जो लगता है आपका कहाँ पे लगता है, चतरा में, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है हथिया पत्थर। कौन सा मेला, हथिया पत्थर। कहाँ पे लगता है हथिया पत्थर मेला, तो हथिया पत्थर मेला लगता है आपका बोकारो में। अगला मेला जो है वो है नम्मी डोल मेला। नम्मी डोल मेला लगता है चैत माह में। और कहाँ पे लगता है ये लगता है आपका टाटी सिल्वे रांची में। कहाँ पे लगता है, टाटी सिल्वे रांची में। नम्मी डोल मेला है क्या, ये भगवान कृष्ण को इसमें झूला में झुलाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, दो चार पाँच मेला एक जगह पे लगता है जो कि मेला के लिए फेमस है, रांची। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, जैसे रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला होता है रांची में, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है, उसी प्रकार से रांची में भी रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के समय में रथ यात्रा मेला लगता है। उसके बाद लगता है सरहुल मेला। सरहुल उत्सव, जो साल के वृक्ष का फूल देखते हैं, सरहुल उसी का उत्सव है, उसी के उपलक्ष्य में जो मेला लगता है वो क्या हो है, सरहुल मेला। और ये भी कहाँ लगता है आपका, रांची में लगता है। उसके बाद देवोत्थान मेला, ये भी कहाँ लगता है, रांची में लगता है। उसके बाद रानी चुंबा मेला, नाम देखिए कितना सुंदर है, रानी चुंबा मेला। कहाँ पे लगता है ये आपका, ये भी आपका लगता है रांची में। उसके बाद मुड़मा मेला, ये भी लगता है आपका रांची में। तो रांची में देखिए पाँच छः मेला लगता है आपका रांची में। तो बस मेला से संबंधित इतना ही पूछेगा, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है ये याद रखना है, इतना ही काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।